हाय गाइस, ये बात उस समय की है जब हमें क्लियर नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है या चपटी है, या हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उस समय खगोल विज्ञान पर एक वैज्ञानिक ने व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी क्रम में हमारा सूर्य भी हमारी आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें लगभग 100 बिलियन तारे हैं, उसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस व्याख्यान के समाप्त होने के बाद पीछे से एक छोटे कद की महिला खड़ी होती है। वो कहती है कि आपने अभी अभी जो भी कहा है वह सब बकवास है। वास्तव में हमारा विश्व एक समतल दस्तरीनुमा है जो एक विशालकाय कछुए की पीठ पर टिका हुआ है। इस उत्तर को सुनकर वैज्ञानिक थोड़ा मुस्कुराए और बोले, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से हमारा विश्व एक समतल दस्तरीनुमा है और जो कि विशालकाय कछुए की पीठ पर टिका हुआ है, तो वो कछुआ किस पर टिका हुआ है या किस पर खड़ा हुआ है? इस उत्तर को सुनकर महिला बोली, तुम बहुत समझदार हो ना बेवक, बहुत ही समझदार, लेकिन आखिर तक कछुआ ही है। अब बात ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, बात तो ये है कि आखिर हम कितना जानते हैं अपने आकाशगंगा के बारे में या अपने इस स्पेस के बारे में जो अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, फैला हुआ है, इसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं। जैसा कि हमें पता है हमारी मात्र एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं, इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं हैं जिनमें करोड़ों तारे हैं। तो हमें कैसे कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आखिर जो हम जानते हैं वो किस बेस पर सही है? काफ़ी हद तक हम इन प्रश्नों के जवाब जान चुके हैं, लेकिन क्या बात यह है कि हम भविष्य में इन सभी प्रश्नों के उत्तर इतने क्लियर जान पाएंगे जिस प्रकार आज हम जान चुके हैं कि हाँ, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है